विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ की यात्रा आरंभ होने में अब करीब 2 माह का समय बचा है। केदारनाथ धाम में हर साल तीर्थयात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन अभी से केदारनाथ में व्यवस्थाओं को बहाल करने में जुट गया है। आगामी केदारनाथ यात्रा के सफल और यात्रियों को बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन अभी से अलर्ट पर है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने केदारनाथ धाम का जायजा लिया। डीएम मंगेश घिड़ियाल ने बताया कि अप्रैल तक मौजूद सभी कमियों को दुरुस्त कर केदारनाथ का रास्ता खोल दिया जाएगा। आज हम लोगों ने केदारनाथ धाम में जो बर्फबारी हुई है उसमें पुलिस अधीक्षक महोदय के साथ पूरा जायजा लिया है। कल हम लोग लिंचौली तक आए और आज केदारनाथ धाम पर पहुंचे हैं, तो अधिकतर हम लोगों ने देखा है कि जो पूरा ट्रैक रूट है उसमें 5 से 6 फीट तक बर्फ़ जमी हुई है। जहां पर ग्लेशियर पॉइंट्स हैं वहां पर बर्फ़ की मात्रा ज़्यादा हो सकती है और 15 से 20 फीट तक बर्फ़ भी हो सकती है। हम लोगों ने पूरा एनालिसिस किया है और देखा है कि बिजली के पोल भी लगभग 20 से 30 पोल पूरी तरह डैमेज हुए हैं। इस वर्ष स्ट्रक्चर्स जो GMBN के स्ट्रक्चर हों चाहे जो हमारे शौचालय हैं मेडिकल पॉइंट्स हैं उनमें अधिक नुकसान नहीं है, और इसलिए हम लोग ये कोशिश करेंगे कि 20 फरवरी से बर्फ़ हटाने का कार्य शुरू हो और लक्ष्य ये रखेंगे कि अप्रैल 1st वीक तक हम लोग केदारनाथ धाम को सुचारू रूप से जो ट्रैक रूट है उसको खोल देंगे और घोड़े खच्चर और जो हमारी और सामग्री यहाँ पर पहुँचानी है उसका ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो जाएगा। तो इस वर्ष की बर्फ़ मुझे पिछले वर्ष से थोड़ा कम लग रही है, लेकिन अभी क्योंकि फरवरी का महीना है और मार्च अप्रैल में भी बर्फ़ पड़ने की संभावना है, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग कोशिश करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर विद्युत व्यवस्थाओं को सुचारू किया जाए। पानी की व्यवस्था क्योंकि चारों तरफ बर्फ़ जमी हुई है तो ऐसे स्रोत को ढूंढना होगा जहाँ पर कि पानी अभी भी मौजूद है, तो पूरी कोशिश करेंगे कि अप्रैल 1st वीक तक हम लोग सुचारू रूप से यहाँ पर रास्ता खोल दें और यात्रा व्यवस्थाओं की तैयारियाँ 20 फरवरी से हम लोग सभी डिपार्टमेंट्स के माध्यम से शुरू। वहीं SP नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि बर्फबारी से हुए नुकसान का आंकलन किया जा रहा है, जल्द ही यात्रा के लिए रास्ता खोल दिया जाएगा। ये जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग महोदय द्वारा ये सभी डिपार्टमेंट्स को जो मेन डिपार्टमेंट्स हैं उनको लेके एक सर्वे और रिक्की यात्रा सीजन के शुरुआत में करने के लिए ये ट्रैक किया गया और इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग थे और हमने रास्ते में हम देखते हुए आ रहे हैं, हम अक्षय केदार पहुँचे हैं कि क्या नुकसान हुए हैं और उनके फोटोग्राफ्स उनका डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और नीचे जाके फिर सारे डिपार्टमेंट्स के साथ मीटिंग करी जाएगी। पुलिस के फ्रंट से क्या चैलेंजेस हैं वो हमने नोट कर लिए हैं, SDRF की टीम भी हमारे साथ है और नीचे जाके फिर हम एक कंबाइंड मीटिंग करके कोशिश करेंगे कि यात्रा के लिए हम तैयारियां समय से जल्दी। आपको बता दें केदारनाथ धाम के कपाट 30 अप्रैल तक खुल सकते हैं। वहीं साल दर साल श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफे को देखते हुए उम्मीद लगाई जा रही है कि साल भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंच सकते हैं। ऐसे में प्रशासन के सामने श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने की बड़ी चुनौती है। पंजाब के CCTV के लिए रुद्रप्रयाग से भूपेंद्र भंडारी की रिपोर्ट।